हेलो दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। आज फिर आए हुए हैं हम लोग। अशफाक मॉल है, एक मॉल का नाम है अशफाक। लोकेशन है अलवर का कम्युनिटी दुबई। यहाँ पे एक यॉर्क का पैकेज एसी है जिसका कंप्रेसर ख़राब हुआ है। क्यों ख़राब हुआ है ये भी बताएंगे और रिप्लेस करेंगे, और क्या क्या प्रॉब्लम थी वो सब आपको बताएंगे। ये कंप्रेसर है डेनफोर्स का, 160 LRA, 161 LRA है। और हम लोगों ने गैस निकाल के ऑलरेडी ब्रीजिंग वगैरह इसका खोल दिया है, जो जॉइंट थे सब खोल दिए हैं। और ये पैकेज यूनिट का मॉडल नंबर सीरियल नंबर है, बड़ा पैकेज है, डबल कंप्रेसर लगा है। तो हम लोगों ने कंप्रेसर निकाल के 141 से क्लीनिंग स्टार्ट किया है पहले, क्योंकि डिस्चार्ज पाइप में हम लोगों ने देखा काफ़ी कचरा पड़ा हुआ था, ब्लैक कलर का कंप्रेसर ख़राब हुआ था। तो 141 से क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोगों ने कंडेंसर को अलग और कूलिंग कोयल को अलग क्लीन किया है। तो 141 डालने के बाद हम लोगों ने नाइट्रोजन से अच्छे से फ्लश किया है और काफ़ी कचरा निकला है इसका अंदर, अभी हम आपको दिखाएंगे। हम लोगों ने 141 डालने के बाद लिक्विड नाइट्रोजन से इसको फ्लश किया तो फुल कचरा ब्लैक आया है। अगर इसको हम लोग क्लीन नहीं करेंगे तो ये पूरा फिल्टर और एक्सपेंशन वाल्व का अंदर फंस जाएगा और कंप्रेसर ख़राब होने का भी चांस बना रहेगा। इसीलिए मटेरियल हमारे पास फुल है, 141 फुल दबा के डाला है। अभी देखो बढ़िया से दबा के निकल रहा है, लेकिन हमारी कॉपर लाइन पूरा फुल क्लीन हो जाएगी इससे। और फुल क्लीन करने के बाद इसको हमने लास्ट तक नाइट्रोजन डालते रहे ताकि पूरा निकल जाए 141। और उसका बाद हम लोगों ने वो पाइप को दोबारा वहीं पे लगा दिया है ड्रायर पे। अब हम लोग फिर दोबारा लिक्विड डालेंगे और कूलिंग कोयल भी क्लीन करेंगे अच्छे से। कूलिंग कोयल में ये देखो हम लोगों ने वापस लगा दिया है इसको, और लिक्विड डाल रहे हैं अच्छे से ताकि कूलिंग कोयल में भी जो ऑयल है या फिर कचरा है सब निकल जाए। बिल्कुल ड्रायर फिल्टर हम लोगों ने चेक कर लिया है, ड्रायर फिल्टर सही है, रिप्लेस कर सकता था हम लोग। नया कंप्रेसर लगा रहे हैं तो ड्रायर फिल्टर का रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये अवेलेबल नहीं था मेरे पास। लेकिन फिल्टर में चेक किया, सही है, अच्छा है, इसलिए हम लोग उसी से चालू करेंगे। ज़्यादा ऑयल है, बहुत ज़्यादा ऑयल निकला है इससे, और अभी धीरे धीरे लिक्विड भी आएगा। ऑयल ही ज़्यादा था, कचरा इसमें ज़्यादा नहीं निकला है, लेकिन ऑयल भी साफ़ करना ज़रूरी है, ब्लैक ऑयल है पूरा। कंप्रेसर ख़राब होने का चांसेस है अगर नहीं क्लीन किया तो। और इसका कंप्रेसर क्यों ख़राब हुआ है? कंप्रेसर ख़राब होने का कारण ये था कि इसका जो LP और HP लगा था ना, वो वायर चेंज कर दिया कोई आदमी, यानी जो पाइपलाइन के साथ कनेक्ट है कंप्रेसर, उस पे LP HP नहीं दिया दूसरा, यानी वायर रिप्लेस कर दिया इधर से उधर, जिस वजह से कंप्रेसर को कमांड मिलती रही गैस निकलने के बाद भी। काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद ऑयल फिनिश हुआ है, नाइट्रोजन भी ख़त्म हो गई है, इसलिए R22 से फ्लश कर रहे हैं। आ रहा है कुछ नहीं, आ रहा है धीरे धीरे आ रहा है, छोड़। लगभग पूरा साफ़ ही हो गया है, ऑयल आना बंद हो गया है।
और पूरा फ्लश करने के बाद हम लोगों ने कंप्रेसर को ब्रेजिंग कर दिया है, वेल्डिंग कर दिया है, दोनों पाइप सेक्शन और डिस्चार्ज अच्छे से वेल्डिंग कर दिया। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा R22 ही डाल दिया है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे पास ख़त्म हो गई है। यही दो जॉइंट है चेक करने के लिए, ये दोनों जॉइंट चेक करके हम लोगों ने अच्छे से लीक नहीं है। तो उसका बाद हम लोग गैस डालेंगे और वायरिंग का तरफ जाएंगे। ये PCB ख़राब है और ख़राब होने की वजह से ही इसको डायरेक्ट किया हुआ था, लेकिन अभी मैंने वायर को थोड़ा तरतीब दिया है, कौन सा कंप्रेसर के साथ कौन सा LP लगा है वही LP को कनेक्शन दिया है उसी का साथ, पूरा तरतीब करके चेक करके एक एक कंप्रेसर चला के LP HP दोनों का सेम कॉन्टेक्टर में पावर दिया है, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम गैस लीक हो तो कंप्रेसर हमारा बंद हो जाए, क्योंकि यहाँ लीक का चांस बना रहता है, क्योंकि पुराने यूनिट है, बहुत पुराने, काफ़ी पुराने यूनिट हैं। दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम ये था, कंप्रेसर ख़राब होने का मेन कारण यही था कि इसका LP और इसका LP आपस में रिप्लेस हो गया, इसका LP इधर आ गया और इसका LP इधर आ गया, LP स्विच। तो क्या हुआ, गैस लीक हुआ इसका, और ये LP लगा था उस पे, वायर जो है यानी ये वायर इधर से चेंज हुआ था। तो वो क्या हुआ, जब इसको गैस निकल गया, इसको कमांड बराबर मिलता रहा वहाँ से, और ये वाला कंप्रेसर बंद हो गया, और जिसका गैस लीक हुआ वो कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहा, जिस वजह से कंप्रेसर ख़राब हो गया, मेन कारण यही था। यानी ये वायर आपस में उधर से इधर रिप्लेस टेक्नीशियन या कोई भी कैसे किया, तो जिस वजह से इसको कमांड मिलता रहा गैस निकलने के बाद भी, और इसमें गैस होते हुए भी ये बंद हो गया, क्योंकि वायर रिप्लेस था। और हम लोगों ने वायरिंग का काम किया है, तब तक हमारा वैक्यूम लगभग हो गया है। और हम लोगों ने यहाँ गैस डालने के बाद इसको चालू किया है, तो कनेक्शन देने के बाद हम लोग पहले जो है ना जस्ट 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए चला के देखते हैं कि उल्टा चक्कर सीधा चक्कर तो नहीं है कंप्रेसर का, तो सही चला है। काम हो चुका है हमारा कंप्लीट, 70 बैक प्रेशर दिखा रहा है, और हम लोग सिस्टम को बंद कर देंगे और एक बार लास्ट में कंप्रेसर का एम्पियर चेक कर लेते हैं कितना है। 19 और 20 चल रहा है एम्पियर लोड, यानी सही है, बराबर इतना होना चाहिए। कितना है, 19.32 40 9 40 है सही।